कालका के साथ लगते गांव टिपरा में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ पर समाजसेवी व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट प्रवीण हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और रिबन काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान हुड्डा ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं टूर्नामेंट आयोजकों द्वारा प्रवीण हुड्डा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों की टीमें भी हिस्सा ले रही है। प्रवीण हुड्डा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से न केवल युवाओं का मानसिक शारीरिक विकास होता है, बल्कि खेलों में अपना करियर भी बना सकते हैं। यदि वे खेलकूद को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर एक स्वस्थ समाज और देश के हित में अपना सहयोग देकर अहम भूमिका निभाएंगे। जो निशी क्लब के द्वारा जो आज ये क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी जो आज के आयोजक हैं आशू भाई और उनकी पूरी टीम, उनको पूरा धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने यहाँ बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया। और जो ये क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, ये जो आज टूर्नामेंट करवाया गया है, इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है प्रेरित होगी और जो नशे पे हमारे युवा जो नशे के चपेट में है उनको प्रेरणा मिलेगी और ये खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। तो इसके लिए पूरी टीम का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आज जो टिपरा में आज इन्होंने ये आयोजन करवाया है। और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में भी ये युवा आगे ऐसे ही हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे और इनकी आने वाले समय इनके लिए बहुत ही अच्छा रहे, इनके क्लब के लिए अच्छा रहे। तो मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ है और आज जितनी भी टीमें आज यहाँ पे आई हैं हमारे आसपास के दून रायतन से, सभी को खिलाड़ियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी तरफ से छोटी ही 3100 रुपए की सम्मान राशि आज यहाँ पे लेके जाना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकहित एक्सप्रेस के लिए कालका से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।